नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Apple iPad Mini 6 Wi-Fi Plus Cellular versus Samsung Galaxy Tab S8 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो iPad Mini 6 में 7.69 इंच जबकि Galaxy Tab S8 5G में 9.99 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो iPad Mini 6 में 5.31 इंच जबकि Galaxy Tab S8 5G में 6.51 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों टैब में सेम ही 0.25 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो iPad Mini 6 में 297 ग्राम्स जबकि Galaxy Tab S8 5G में 507 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि iPad Mini 6 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो iPad Mini 6 में इट्स LCD जबकि Galaxy Tab S8 5G में TFT की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो iPad Mini 6 में 8.3 इंचेस जबकि Galaxy Tab S8 5G में 11 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन iPad Mini 6 में 1488x2266 और Galaxy Tab S8 5G में 1600x2560 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो iPad Mini 6 में 77.57% जबकि Galaxy Tab S8 5G में 83.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो iPad Mini 6 में 327 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy Tab S8 5G में 274 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो iPad Mini 6 में एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और Galaxy Tab S8 5G की बात करें तो इसमें दो कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iPad Mini 6 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy Tab S8 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों टैब में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो iPad Mini 6 में Apple GPU 5 Core Graphics जबकि Galaxy Tab S8 5G में Adreno 730 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो iPad Mini 6 में Apple Bionic और Galaxy Tab S8 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो iPad Mini 6 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy Tab S8 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो iPad Mini 6 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy Tab S8 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो iPad Mini 6 में नहीं है जबकि Galaxy Tab S8 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो iPad Mini 6 में iPadOS V15 जबकि Galaxy Tab S8 5G में Android V12 देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो iPad Mini 6 में 4 कलर्स जबकि Galaxy Tab S8 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो iPad Mini 6 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जिसमें कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 60,900 रुपीज़
4 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 74,900 रुपीस में मिलता है। और बात करें Galaxy Tab S8 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 70,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Apple iPad Mini 6 Wi-Fi Plus Cellular में 6 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Samsung Galaxy Tab S8 5G की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है। मेन कैमरा में Galaxy Tab S8 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें Apple iPad 10.2 2021 Wi-Fi है, दूसरा Lenovo Tab P11 Pro है, तीसरा Lenovo Yoga Tab 11 है और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy Tab S7 Plus है। और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।